हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं DLF मॉल नोएडा, जो कि सेक्टर 18 में है। तो यहाँ पर मॉल जाने का प्रोग्राम हमारा अचानक ही बन गया, क्योंकि बच्चों को फन सिटी जाना था और कोरोना में काफ़ी टाइम से बच्चे बाहर गए भी नहीं थे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, हम पहुँच गए हैं DLF मॉल। और आपको पता ही होगा, DLF मॉल जो है वो इंडिया के बिगेस्ट मॉल में से आता है। तो चलो चलते हैं। यहाँ पार्किंग में गाड़ी जाने के लिए सबसे पहले चेकिंग होती है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं गाड़ी की चेकिंग के लिए। और यहाँ पर बैठे हुए पीहू और डोडो जो एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ मॉल में 3 फ्लोर जो है वो बेसमेंट में बने हुए हैं पार्किंग के लिए, P1, P2 और P3। वीकेंड होने की वजह से मॉल में काफ़ी ज़्यादा रश था, तो हमें P1 में कहीं पर भी पार्किंग के लिए स्पेस नहीं मिला। और उसके बाद हमने चेकआउट किया P2 में, और वहाँ पर भी हमें पार्किंग का स्पेस नहीं मिला। और एट लास्ट हम गए P3 में, और ये है P3। और यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से हमें पार्किंग मिल गई है। और ये रश मुझे लगता है सिर्फ इसलिए है क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे संडे ही लोग ज़्यादातर इस तरह से घूमने जाते हैं। तो यहाँ पार्किंग एरिया में ही मॉल में जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई है। और यहाँ हम पहुँच गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ से मॉल स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हो, आपको यहाँ मैक्सिमम ब्रांड के शोरूम मिल जाएंगे, और यहाँ से काफ़ी अच्छी शॉपिंग की जा सकती है। तो पार्किंग में गाड़ी का जितना ज़्यादा रश था, मुझे उतना मॉल में बिल्कुल भी नहीं दिखा। तो मे भी हो सकता है हमें वो सब कुछ फूड कोर्ट में दिखाई दे। बच्चों को DLF मॉल का फन सिटी काफ़ी पसंद है, और इस वजह से ही हम लोगों का सडनली प्रोग्राम बना DLF मॉल आने का। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर लोग घूम ज़्यादा रहे हैं, और मुझे शोरूम ऑलमोस्ट सब खाली ही दिखे। और यहाँ पर हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा शॉपिंग की जाए, और ये है लाइफस्टाइल। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि क्या लेना है, क्या ड्रेसेस आई हुई है। तो मेरे को यहाँ की ड्रेसेस बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर 699 में जॉगर्स थे, टॉप थे, लेकिन यहाँ पर इस शोरूम में मैंने देखा कि यहाँ पर कोई भी समर की सेल नहीं लगी हुई थी, कोई डिस्काउंट नहीं लगा था। और इनफेक्ट लाइफस्टाइल में ही नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शोरूम पर यहाँ पर कहीं पर भी आप सेल नहीं लगी हुई थी। और आप देख सकते हो यहाँ पर भी वूलन आना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम चलते हैं कहीं और एक्सप्लोर करने के लिए। अब हमें बीबा दिखाई दिया, तो हमने सोचा बच्चों के लिए फेस्टिव सीज़न के लिए हम थोड़ा सा सूट्स वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखे कि बच्चों की कलेक्शन बहुत ही अच्छी थी सूट्स की, तो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा देती हूँ। और इसके बाद हम लोग गए स्मैश, जो कि ओपन था, और यहाँ पर बच्चे बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं, जो कि आप देख ही सकते हो। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चों के मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा बिजी थे गेम्स खेलने के लिए, क्योंकि इस कोरोना में काफ़ी सारे मॉल में मैंने देखा है वहाँ पर इस तरह के गेम्स सब बंद थे, बट इस वाले मॉल में स्मैश ओपन था, आप देख सकते हो। और उसके बाद हम लोग गए यहाँ पर, बच्चों के लिए एक प्ले रूम बना हुआ था,
और मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इस टाइम पे ओपन होगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो प्ले रूम बच्चों के लिए ओपन था और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वहाँ पर बच्चे नहीं थे, पेरेंट्स नहीं थे। आप देख सकते हो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा क्राउड आया हुआ था और सब बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। तो इसमें ऐसा है कि आप 300 रुपीज़ की यहाँ पर टिकट है और एक घंटे के लिए आप बच्चे को इस एरिया में छोड़ सकते हो और बच्चे अपनी कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो आप देख सकते हो बच्चे कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और पेरेंट्स भी उनके साथ है। और कोरोना में मैंने ये ही मॉल देखा है जहाँ पर ये एरिया ओपन था, तो आप भी देख सकते हो। और इसके बाद हम गए फूड कोर्ट जहाँ पर हमने सोचा कुछ खाया जाए क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। बट अब मेरे को समझ में आया कि भीड़ कहाँ थी। तो आप इस क्राउड को देखकर समझ सकते हो कि सारी भीड़ तो यहाँ फूड कोर्ट में ही है। तो हम भी देख रहे हैं कि कहीं पर हमें सीट मिल जाए क्योंकि यहाँ इतने इजी नहीं होता है सीट मिल पाना। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वीकेंड है, मे बी हो सकता है कि सैटरडे संडे को ही लोग ज़्यादा घूमने जाते हैं बाहर, और अभी ही कोरोना का थोड़ा सा ओपन हुआ है उसके बाद। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ फन सिटी जो कि बंद है। यस, जो मेरे बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट थी कि हमें मॉल जाना है और हमें फन सिटी जाना है, तो एट लास्ट हम फन सिटी पहुँच गए और हमने देखा वो बंद था। तो मैश खुला हुआ था, बच्चों का रूम वाला एरिया खुला हुआ था जहाँ बच्चे अपनी कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, वो भी छोटे बच्चे 7-8 साल तक के बच्चे वो एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे डोनट्स के लिए। बच्चे मॉल आए और डोनट्स ना खाए तो वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ डोनट्स। और उसके बाद हम लोग गए इमली और यहाँ से हमने कुछ खाने के लिए लिया और वेटिंग तो आप देख ही सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि इमली पर ही इतना ज़्यादा वेटिंग थी, KFC पर, डोमिनोज पर, सब जगह इतना ज़्यादा ही क्राउड था और वेटिंग चल रही थी। और यहाँ हम अपना मील इंजॉय करने के बाद वापस जा रहे हैं घर और हम आ गए हैं वापस बेसमेंट में। और यहाँ एग्जिट पे आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन थी, मतलब वापस वहाँ जाने के लिए भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें वापस बाहर आने में आधा घंटा लग गया। लेकिन हाँ, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया क्योंकि कोरोना के बाद हम शायद ये सेकेंड टाइम था कि मॉल गए थे। और यहाँ पर ये था कि काफ़ी चीज़ें ओपन हो गई थी, एक फन सिटी ही ओपन नहीं हुआ था। तो ठीक है, थोड़ा बहुत आउटिंग हो गई, बच्चों ने भी इंजॉय किया और हमने भी। तो आप भी आ सकते हो DLF मॉल नोएडा। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।